नमस्कार अम्रियजनों, आप देख रहे हैं सीओटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग मुस्कुराइए, खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है घर रहने का। ठीक है, तो घर को जितना याद करना है कर लो, क्योंकि अब विदाई का समय हो गया। अब आप लोग घर से दूर होने वाले हो, तो पूरी कहानी सुनाऊँगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान से समझोगे तो बार बार आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि रात में आप लोगों ने बहुत कॉल मैसेज करा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आपको पहले समझाना चाहिए। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, जैसे कि बी ए एल एल बी मुझे लग रहा है 25-26 तक आपको नोटिस दे देगा क्लासेस का, क्योंकि उनकी जो लिस्ट है CAC आज या कल में, मतलब कल तक, आज शाम हो गया, तो कल तक ये लोग फाइनल आपके फैकल्टी को आपकी फाइनल लिस्ट दे देंगे। रीज़न ये है क्योंकि बच्चे बहुत कम थे, तो इनके यहाँ पूरा फी एडजस्टमेंट हो गया, पेमेंट हो गया। तो उसी तरीके से जितने भी कम सीट वाले कोर्सेज हैं, मतलब आप लोगों ने, आपको पता ही है कि नॉन प्रेफरेंस वाले जो कोर्सेज हैं, तो नॉन प्रेफरेंस वाले जो भी कोर्सेज हैं उनका फी एडजस्टमेंट के साथ साथ अब फैकल्टीज जो है वो एक डेट देने जा रही है, डेट दे देगी और फाइनली आप अपना क्लास स्टार्ट करोगे। लेकिन मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ, जैसे आप, मुझे पता है इस वीडियो के साथ ही अब नॉन प्रेफरेंस वाले बहुत प्रेफरेंस वाले चिल्लाएंगे, बोलेंगे सर हमारा बीए वाला कब होगा, बीएससी वाला कब होगा। भाई फर्स्ट ऑफ अक्टूबर तक ऑलमोस्ट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि देखो लगभग 3 से 4 दिन में आपका फाइनल एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो प्रेफरेंस अभी भर रहे हैं बीए आर्ट्स और बीएससी वाले। ठीक है, और फिर वही 3-4 दिन बचेगा, फिर उसमें आप लोग अपना बाकी का प्रोसेस देख लो। कहने का मतलब ये है ना ओवरऑल कि अब आप लोग शिफ्ट हो जाओ, अब आप लोग मत सोचो ज़्यादा कि अब मुझे एक डेट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ आपका कोई स्वागत वागत नहीं करने वाला है, जो भी करूँगा मैं ही करूँगा। अगर आपका स्वागत भी करना है ना, तो ये अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अपने आप में प्राउड है कि आप BHU के स्टूडेंट हो गए, आप BHU में आ रहे हो, लेकिन ये प्राउड जो है ना हर किसी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मेरे को पड़ता है, मैं चाहता हूँ क्या भाई आप आगे बढ़ो, मैं तो चाहता हूँ। देखो मेरी संवेदनाएं, मेरी जो भावनाएं हैं, आपसे जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बस चैनल तक इसको मत समझना, मैं अभी आपके क्लास में भी आऊँगा, ओरिएंटेशन क्लास लूँगा, आपसे मीटअप करूँगा, टॉप स्टॉक करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस इतना ही रहना कि आप मेरे से जुड़े रहना, मेरे वीडियोस देखना, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो आप तक पहुँचानी है। कुछ लोग ऐसे भी नीडी होते हैं जिनको जॉब चाहिए होता है, मतलब काम चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, तो वो चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मेरा एक चैनल है नीत दर्शन, उसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कि कैसे अर्न करना चाहिए वाइल स्टडी, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपको समझाता रहूँगा। सो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे हर एक सोशल मीडिया को फॉलो करें, लाइक मेरा ट्विटर फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम नीर दर्शन वो ज़रूर फॉलो करें, चैनल को फॉलो करें। और बाकी क्लासेस को लेकर जो मैं आपको समझा दिया कि अब आप लोग फाइनली एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, 26, 27, 28 तक मैक्सिमम आप लोग शिफ्टिंग शुरू कर दो बनारस में। और जो भी आपको डेट दी जा रही है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो भी आप वेरीफाई करा लो, उसमें 1-2 दिन लेट चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत पैनिक मत हो जाना कि डॉक्यूमेंट मेरा ये नहीं है वो नहीं है, अरे लेट हो गया मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, एकदम टेंशन मत लेना यार, कैंसिल होगा ही नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, मुझे बोलना अगर ऐसा होगा, मुझे कॉल करना, मैं डिपार्टमेंट फैकल्टी में आपके विजिट करूँगा अगर ऐसे केसेस हो जाते हैं तो। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस बेसिक चीज़ें मत गलत करना। ठीक है, बेसिक नीड मत गलत करना, लाइक जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसमें गलती, तो वो ऐसा कुछ है ही नहीं। बाकी एंटी रैगिंग और डोजियर जो है वो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, हम वहाँ पे आपको भेज देंगे। बाकी आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑफिशियल पोर्टल पे है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो आपका एक क्वेश्चन आ रहा था सर क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो है 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये फैकल्टी डिपार्टमेंट में मेंशन डिपेंड करता है ना। अब जो डिपार्टमेंट जल्दी से काम करेगा वो जल्दी स्टार्ट कर पाएगा, जैसे पीजी वाले बहुत एक्साइटेड है, यूजी में भी बहुत सारे क्लासेस बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छे से कराएंगे वो लोग। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट होने की संभावनाएं रहेंगी। आप मुझे देखते रहना, सुनते रहना, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करो मेरे साथ कैसा रहा। अभी मैं आपको एक वीडियो और दूंगा लास्ट में, और बहुत सारी